नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ आपका सबके शिक्षा में बेहद स्वागत करती हूँ। दिल्ली के शिक्षा विभाग ने एक और बहुत ही महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन जारी करी है जो कि कक्षा 11वीं के दाखिलों से संबंधित है। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था, कक्षा 11वीं में दाखिले का 3 बार मौका दिल्ली के शिक्षा विभाग के द्वारा दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिन्होंने कक्षा 10वीं का कंपार्टमेंट का पेपर पास करा और वे जो तीसरी साइकिल थी यानी कि तीसरी बार जो दाखिला प्रक्रिया की शुरुआत की गई थी उसका हिस्सा नहीं बन पाए। तो ऐसे विद्यार्थियों को एक और मौका दिया जा रहा है ताकि वह अपना दाखिला कक्षा 11 में करवा सके और उनकी पढ़ाई के बीच में रुकावट ना आए। लेकिन इस बार जो दाखिले का मौका मिलेगा, यह दाखिले का मौका ऑनलाइन नहीं होगा, यह ऑफलाइन होगा। पिछले 3 बार जो दाखिले के मौके मिले थे वे ऑनलाइन थे, लेकिन यह दाखिला प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। ऐसे में वे विद्यार्थी जो कक्षा 10वीं में कंपार्टमेंट के एग्जाम को पास कर उन्होंने किया है और कक्षा 11वीं में दाखिला लेना चाहते हैं और वे नहीं अप्लाई कर पाए आखिरी साइकिल ऑफ एडमिशन में, तो ऐसे में वे घर के नज़दीकी सरकारी स्कूल में जाएं और इस बार उन्हें हाथ से फॉर्म को भरना होगा, हाथ से एप्लीकेशन को भरना होगा। वे वहां पहुंचे, उन्हें स्कूल पूरी जानकारी देगा कि किस प्रकार से उन्हें फॉर्म भरना है, क्या भरना है इत्यादि। ऐसी स्थिति में जो स्कूल के हेड ऑफ द स्कूल होंगे यानी कि स्कूल के प्रिंसिपल होंगे, वह उनकी एप्लीकेशन को आगे भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे 21 सितंबर तक दोपहर 12 बजे तक DD जोन को। उसके बाद उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, चेक किया जाएगा उनके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, और जो DD जोन्स होंगे वो ऐसे विद्यार्थियों को स्कूल अलॉट कर देंगे और 22 सितंबर तक जोनल ऑफिस में इससे संबंधित लिस्ट को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। अब जो स्कूल के हेड्स होंगे वह भी जिन बच्चों को जो स्कूल मिला है वह अपने स्कूल के नोटिस बोर्ड पर स्कूल के बाहर इस लिस्ट को लगा देंगे। वह पेरेंट्स को कॉन्टैक्ट करेंगे, उन स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को जिन्होंने अब कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन क्लास 10th को पास करके कक्षा 11वीं में दाखिले के लिए मैनुअल उनके स्कूल में अप्लाई किया था, बच्चों को दाखिला दिया जाएगा, उनके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा। 26 सितंबर तक यह प्रक्रिया समाप्त कर दी जाएगी। साथ ही जो हेड ऑफ द स्कूल्स होंगे, अलॉटेड स्कूल्स होंगे, वे एक पर्सन को भी डिप्यूट करेंगे जो DDs को कंसर्न DD को स्टूडेंट्स का टेम्पररी स्टूडेंट ID जनरेशन देगा और अलॉटेड लिस्ट दे देगा ताकि वे फॉरवर्ड आगे DD जोन को करेंगे और एक परफॉर्मा भी आगे दिया जाएगा। तो आप सभी को बताना चाहूँगी, वे सभी विद्यार्थी जो अभी तक कक्षा 11वीं में दाखिला नहीं प्राप्त कर पाए हैं लेकिन कक्षा 10वीं उन्होंने कंपार्टमेंट के पेपर के बाद पास कर ली है, उनके लिए यह आखिरी और सुनहरा मौका है। जल्दी से घर के नज़दीकी सरकारी स्कूल पहुंचे और वहां जाकर आपको हाथ से फॉर्म भरना होगा और उसके बाद सारी दाखिला प्रक्रिया 26 सितंबर तक पूरी हो जाएगी। जल्दी करिए, यह मौका हाथ से नहीं जाने दीजिए और साथ ही एक और काम भी करिए, सही जानकारी, सभी जानकारी और निःशुल्क जानकारी के लिए आज ही सबकी शिक्षा को सब्सक्राइब करें और मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अब मुझे डॉक्टर श्रद्धा वशिष्ठ की इजाजत दीजिए, नमस्कार।